हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के 10 प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये 20 डे का जो क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, इसकी डेली वीडियो आती है आपकी रीजनिंग की 3 बजे और मैथ की आती है रात को 9 बजे और करंट अफेयर की सुबह चल रही है 7 बजे। तो आप इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन करके, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं, 20 टेस्ट 120 रुपीज़ में और 20 टेस्ट RPF SI के लिए 199 रुपीज़ में। तो इनको ज़रूर परचेज कर लीजिए, उनको अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप अभी परचेज करके और लगाना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और देखिए डिस्काउंट कोड ये है SaurabSPL, इसको भर के आप 120 रुपये में ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये 120 रुपये वाला टेस्ट 149 रुपीज़ का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये सीरीज जो है इसको पूरा करना है, जो यहाँ पे बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो एकदम बिल्कुल नई सीरीज है, इससे पहले भी कई बार करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, बट ये बिल्कुल नई सीरीज है। तो कैसे करना है इसको, देखिए यहाँ पे चल रहा है आपका +4। अगर ए में आप +4 कर देते हैं तो ई हो जाएगा, और बी में +4 कर देते हैं तो एफ हो जाएगा। बट फिर यहाँ पे प्लस नहीं चल रहा है, फिर माइनस चल रहा है। तो माइनस कितना चल रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 4 का, तो एक्स में से -4 माइनस किया तो टी आ गया, और डब्ल्यू में से 4 माइनस किया तो एस आ गया। तो यानी कि +4 +4 -4 -4 इस तरीके से आपकी चल रही है। तो नेक्स्ट आप इसमें करेंगे +4, तो ई में आप +4 करेंगे तो आई बन जाएगा, एफ में +4 करेंगे तो आपका जे बन जाएगा, और टी में से -4 करेंगे तो आपका पी बन जाएगा, और एस में +4 करेंगे तो आपका ओ बन जाएगा। तो आई जे पी ओ इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल था सीरीज, ठीक है। और आप साथ साथ में क्वेश्चन को ट्राई भी करते रहिए, ठीक है। जितने मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे राइट आंसर करेंगे तो मैं देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पे सीरियस हैं, जो कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ पे क्या आएगा। तो इस वाली सीरीज में क्या देखना है आपको, देखिए यहाँ पे +2 किया गया है तो 6 आ गया +2, ठीक है। अब 2 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना +4 किया गया है। 4 का प्लस कर देंगे डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस किया गया है। 8 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 16, तो यानी कि यहाँ पे 16 प्लस किया गया है। 16 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 32 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 66, तो यहाँ पे 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखिए सीरीज जो होती है आपको, जो ये आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, इसमें कोई भी सीरीज चल सकती है आपकी, इस तरीके से पैटर्न चल सकता है, आमने सामने का जोड़ होके भी कुछ बन सकता है, तो बहुत तरीके से बन सकती है। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो आप सारी वीडियो को देख लेंगे, जितने भी मैं क्रैश कोर्स की ये वीडियो अपलोड करूँ सारी वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3, कथन निष्कर्ष से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। कोई गाय कुर्सी नहीं है और सभी कुर्सियां मेज हैं, तो कोई गाय कुर्सी नहीं है, यहाँ पे आपका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। आपने बनाया एक कुर्सी का और एक गाय का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे सो हो गया है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी कुर्सी मेज है, तो सभी कुर्सी आपकी मेज कब होगी, जब कुर्सी को आप कवर कर लेंगे मेज वाले वेन डायग्राम से। तो इस तरीके से आप इसको वेन डायग्राम को बना लेंगे, तो कुर्सी और मेज के बीच कुर्सी और गाय के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और सभी कुर्सी मेज है, तो इसका मतलब कुर्सी और मेज का रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या है। कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, देखिए मेज और कुर्सी के बीच में तो रिलेशन है, तो इसका मतलब जब सारी की सारी कुर्सियाँ मेज हैं तो कुछ कुर्सियाँ तो मेज हो ही सकती है, तो फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। सेकेंड वाला है निष्कर्ष आपका, कुछ मेजे गाय हैं, कुछ मेजे गाय हैं, तो देखिए मेज और गाय के बीच में कुछ भी नहीं बताया गया, तो कुछ मेजे गाय हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका कथन में नहीं बताया गया, तो इसको हटा देंगे। थर्ड वाला है आपका, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, तो कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि कुर्सियाँ और गाय के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बताया गया। बताया गया है कि कोई कुर्सी गाय नहीं है, तो इसका मतलब नहीं का रिलेशन बताया गया, तो हैगा तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, कि कुछ कुर्सियाँ गाय हैं तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे बोला गया कोई मेज गाय नहीं है,
तो दोस्तों ये भी हम नहीं बता सकते कि कोई मेज गाय नहीं है, क्योंकि गाय और मेज के बीच में कुछ रिलेशन नहीं बताया गया। तो यहाँ पे ये कहना भी गलत हो जाएगा कि कोई मेज गाय नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी तो बन सकती है ना, ये वाली कंडीशन भी तो बन सकती है जिसमें आपका कुर्सी और गाय के बीच में रिलेशन भी नहीं है और यहाँ पे मेज के साथ में रिलेशन है। तो यहाँ पे ये बोला जा सकता था कि कुछ गाय मेज हो सकती हैं, बट यहाँ पे ये बोलना कि कुछ गाय मेज हैं या फिर ये बोलना कि कुछ गाय मेज नहीं है, तो ये दोनों ही कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी कि आपका 4B गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली निष्कर्ष 1 वाला आपका राइट रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सभी कौवे पक्षी है, मोर कौवे हैं। तो सभी कौवे पक्षी है, सबसे पहले आप एक कौवे का वेन डायग्राम बनाएंगे, ये वाला सभी कौवे पक्षी है, तो इसके ऊपर को आपने पक्षी वाला ये वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। सभी कौवे पक्षी है, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए लाइन में क्या बोला जा रहा है कि मोर कौवे है, इसका मतलब जो सभी मोर है वो कौवे हैं। तो मोर कौवे कब हो सकते हैं, जब कौवे के अंदर मोर वाला वेन डायग्राम होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे बोला कि सभी कौवे पक्षी है, तो सभी कौवे पक्षी तो आपने बना दिए। फिर बोला गया कि मोर कौवे हैं, यानी इसका मतलब होगा कि जो सभी के सभी मोर हैं वो कौवे हैं, तो मोर वाला वेन डायग्राम कौवे के अंदर आएगा। ये आपने यहाँ तक कर लिया, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं निष्कर्ष। सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं, तो सभी के सभी मोर जो हैं वो पक्षी हो सकते हैं, क्योंकि कौवे के अंदर मोर है और कौवा किसके अंदर है, पक्षी के, तो सभी के सभी मोर पक्षी हो सकते हैं। तो पहले वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट जो निष्कर्ष है आपका। दूसरे वाला है सभी पक्षी मोर है, सभी के सभी पक्षी जो है वो मोर है, तो सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते। पक्षी मोर कब हो सकते हैं, जब पक्षी के ऊपर को आपका मोर वाला वेन डायग्राम, जो ये मोर वाला अंदर है ना, जब ये पक्षी के ऊपर को आता है ये वाला वेन डायग्राम, तो तब हम बोल सकते थे कि सभी पक्षी मोर हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सभी पक्षी मोर हैं, तो ये भी आपका ये आपका नहीं होगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल कपड़े सफ़ेद के संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बताना है आपको एक वेन डायग्राम जो फूल कपड़े और सफ़ेद के बीच में रिलेशन बताता हो। तो देखिए फूल कपड़े और सफ़ेद, अब जो सफ़ेद होता है वो कपड़ा भी हो सकता है और फूल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आपको एक वेन डायग्राम ऐसा देखना है जो तीनों का रिलेशन शो करता हो। ये हट जाएगा क्योंकि ये तीनों के बीच में रिलेशन शो नहीं करता, ये केवल दो को ही बता रहा है, तो ये भी हट जाएगा। फिर बचा ये और ये, इन दोनों में कौन सा हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये आपका सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद आपके कपड़े हैं और कुछ सफ़ेद आपके फूल हैं। तो इस तरीके से आपका सफ़ेद और फूल वाला रिलेशन बन के ये तैयार हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम इसको सफ़ेद मान लें, इसको कपड़े मान लें, तो ये सभी फूल नहीं हो सकते, या फिर ये सभी के सभी कुछ सब फूल और कपड़े का रिलेशन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये वाला वेन डायग्राम भी आपका राइट नहीं होगा। हमने माना बीच वाला होगा सफ़ेद, तो कुछ सफ़ेद आपके कपड़े हैं और कुछ सफ़ेद आपके फूल हैं, तो इस तरीके से राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, ये आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज मैं इसको बोलूँगा, बहुत ही मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है ये। यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एक सीक्वेंस में नहीं चल रहा, यानी कि ना तो पहले का दूसरे से तीसरे से इस तरीके से रिलेशन है, नहीं हम ये बोल सकते कि यहाँ पे पहला दूसरे का हो गया फिर इसका, इस तरीके से भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बन किस तरीके से रहा है, एक बार वीडियो को रोकिए, ट्राई करिए और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए ये इस तरीके से आपकी सीरीज लिखी है। यहाँ पे देखिए दो को छोड़ के जेड से वाई तक -1, फिर -1 एक्स का, यानी कि -1 -1 कैसे चल रहा है, फिर एक्स से डब्लू का, फिर -1, फिर -1 डब्लू से वी का, फिर -1 आपका आ जाएगा दो को छोड़ के, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, वी से पहले एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ऊपर वालों का रिलेशन देखें तो ए और बी का, यानी कि +1 चल रहा है, फिर +1 करके दो को छोड़ के सी और फिर डी का, फिर दो को छोड़ के +1 करेंगे ई का, फिर +1 करेंगे एफ का। तो इस तरीके से ये सीरीज आपकी +1 वाली चल रही है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, F और U राइट आंसर हो जाएगा, नहीं F U इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम के भी 100% एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो अलग अलग टाइप के जितने भी पैटर्न्स आपके वेन डायग्राम बन सकते हैं सॉरी वो मैं आपको साथ ही साथ कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कुत्ता बिल्ली और जानवर के बीच में बीच के संबंध को कौन सा आरेखा निरूपित करता है, ये आपको बताना है। देखिए इनके बीच में तीनों के बीच में कुत्ता बिल्ली और जानवर के बीच में कौन सा वेन डायग्राम आपको सही सही से संबंध को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जानवर जो है वो बिल्ली भी हो सकता है कुत्ता भी हो सकता है, तो इसका मतलब तीनों के बीच में रिलेशन है, तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीट को शो कर रहा है, यानी कि सभी के सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी के सभी बिल्ली आपके जानवर है, तो इस तरीके से भी आपका ये सही नहीं है। फिर ये वाली जो सम वाली कंडीशन है इसमें भी आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुत्ता और बिल्ली दोनों के दोनों जानवर हैं, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सम वाली कंडीशन हो गई, यानी कि कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है क्योंकि बिल्ली अलग है कुत्ता अलग है, ठीक है। तो ये दोनों को अलग अलग शो कर रहा है बट दोनों जानवर हैं, तो दोनों को एक ही गोले के अंदर लेके आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी वेन डायग्राम से आपको शो करना है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लखनऊ के संबंध को कौन सा आरेखा निरूपित करता है, ये आपको बताना है। देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो अलग अलग राज्य हैं आपके, बट जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बीच में रिलेशन है, बाकी एक अलग को शो करना है। तो सिर्फ एक अलग शो करना है तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये तीनों रिलेशन शो कर रहे हैं ये भी तीनों रिलेशन शो कर रहे हैं ये भी हट जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का हो गया, इसके अंदर लखनऊ आ गया और ये आपका उत्तराखंड अलग से हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन से ही करेंगे तो हमेशा राइट आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन में हमें क्या पता चल जाता है कि ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, तो आपका ये बचा हुआ आंसर निकल के आएगा ना। इनके पीछे रीजन क्या है मैंने बता दिया कि ये क्यों नहीं हो सकता ये क्यों नहीं हो सकता ये क्यों नहीं हो सकता, हर एक क्वेश्चन में वही इंप्लीमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है सबसे अलग संख्या को ढूंढिए, इन जो दो दो चार पाँच संख्या जो लिखी है इनमें से सबसे अलग कौन सी है वो आपको बतानी है। देखिए पाँच में से चार संख्या तो इनमें से ऐसी होंगी जो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करती होंगी, एक संख्या ऐसी होगी जो एक से उसी पैटर्न को सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करती होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ कितना होगा 8, और 16 में 8 प्लस करने से क्या बन जाएगा आपका 16 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 12, तो 24 में फिर 12 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, बट यहाँ पे 34 लिखा है और इसी तरीके की सीरीज यहाँ पे चल रही है। देखिए 36 को मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा 18 को प्लस करूँगा 36 में तो 54, तो इस तरीके से। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 36 आएगा, 36 में फिर 1.5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका ये 81 आ जाएगा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर डिवाइड करके 2 से प्लस करने वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है। तो मतलब सीरीज क्या चल रही है वो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए 36, ठीक है, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लुप्त पद के ज्ञात कीजिए, यहाँ पे आपको बताना है ये वाला यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए सिंपल है ये भी, यहाँ पे क्या चल रहा है सीरीज इन कुछ ना कुछ इन दोनों के रिलेशन से बार वालों के रिलेशन से बन रहा होगा, तो इन दोनों के रिलेशन से ये निकल के आएगा। अब रिलेशन है क्या वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए मैं इन दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 52 और 32 को प्लस करूँगा 84 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 21 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा 64 और 80 कितना हो जाएगा 144 और 144 को मैं सॉरी 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप 48 और 48 को प्लस करेंगे 96 और 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन 24 रहेगा राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसी लगी आज की वीडियो आपको ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा करता हूँ कि आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर तो अपने सभी दोस्तों में ज़रूर कर दिया करें। और आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पर सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, वहाँ पर भी आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी।
तो आशा करता हूँ कि आप ये सब कुछ कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।